नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आयकर विभाग ने अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल सोमवार 7 जून को लॉन्च किया। टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए शुरू किए गए इस पोर्टल से अभी तक आम लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। नए पोर्टल में जाने पर लोगों ने दिक्कतों का सामना किया, तो कई लोगों ने इसकी शिकायत ट्विटर पर वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर इंफोसिस से नाराजगी जताई। निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस और नंदन नीले कणी को टैग करते हुए लिखा कि आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल का लंबे वक्त से इंतजार था, सोमवार रात इसे लॉन्च किया गया, इसके बाद से ही इसमें गड़बड़ियां सामने आ रही, लगातार इसको लेकर शिकायतें मिल रही। मुझे उम्मीद है आप सेवा की गुणवत्ता में टैक्स पेयर को निराश नहीं करेंगे। करदाताओं को आसानी हो, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने सोमवार को अपना नया पोर्टल शुरू किया है। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि नए पोर्टल पर टैक्स पेयर को ITR भुगतान में आसानी हो, साथ ही इसमें कई और आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई। इसमें ट्रांजेक्शन, अपलोड और पेंडिंग एक्शन एक ही डैशबोर्ड पर दिखेंगे, ताकि यूजर उसे रिव्यू कर सके और जरूरत के हिसाब से एक्शन ले सके। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ये नई वेबसाइट देश की बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस ने डेवलप की है। ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू किया गया था। इस वेबसाइट को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 4,241.97 करोड़ रुपए मिले थे। सरकार का टारगेट था कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एक टैक्स पेयर फ्रेंडली और नेक्स्ट जनरेशन ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।